नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में देश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर हुए हैकिंग के बारे में जानने के लिए। जी हां साथियों, 23 तारीख से यानी ये जो 23 नवंबर गई है तब से देश का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर या फिर कहिए एक अस्पताल, देश का गौरव कहा जा सकने वाला एम्स दिल्ली का सर्वर लास्ट 6 दिन से हैक चल रहा है। सूचना यह है कि हैकर्स ने यहां से 200 करोड़ रुपए की रैंसम वेयर मांगी है, यानी कि हफ्ता वसूली मांगी है, और उसकी एवज में कहा है कि अगर आपने हफ्ता वसूली देनी है तो वो भी हमें क्रिप्टो के भीतर दीजिएगा। आज के सेशन में हम समझेंगे क्या है पूरा मसला, कब कब क्या क्या हुआ और हैक हो जाने से क्या मतलब होगा, क्या नुकसान हो सकता है एम्स जैसे अस्पताल के सर्वर के हैक होने का, कौन सी भारत की एजेंसीज हैं जो इसे वापस से रिट्रीव करने का प्रयास कर रही हैं। इतना ही नहीं, आप इस सेशन के माध्यम से ये भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार से भारत के लिए अपने आप में मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में हैकर्स एक चुनौती बन गए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ अखबारों की हेडिंग्स दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्रिप्टो अटैक एट एम्स दिल्ली, हैकर्स डिमांडेड 200 करोड़ रुपीज, ऐसा रिपोर्ट में निकल करके आया था। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स की, एनडीटीवी की, सब जगह एक बात कही जा रही है, दैट इज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा अपनी तरफ से यहां पर स्पष्टीकरण के रूप में यह कहा गया है कि हमें नहीं पता है कि किससे 200 करोड़ मांगे गए हैं, यानी दिल्ली पुलिस इस मामले के अंदर अपने आप को साइड कर रही है कि भाई हमको नहीं पता कि 200 करोड़ मांगे भी गए हैं। यानी ये जरूर पता है कि सिस्टम हैक हो गया है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि सब दिल्ली पुलिस मना क्यों कर रही है। अब भाई जब तक कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं पता है तो पुलिस इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगी कि किसने मांगा है, है ना। तो अब ये सब चीजें जांचने की हैं, आगे क्या होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन घटना कहां से शुरू हुई एक बार के लिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों 23 नवंबर को हुआ क्या कि सुबह 6:45 पर इमरजेंसी लैब के कंप्यूटर सेंटर के मरीजों की रिपोर्ट नहीं मिलने की शिकायत आने लगी। थोड़ी देर बाद में फिर बिलिंग सेंटर और अन्य जो डिपार्टमेंट्स थे उनसे भी कुछ इस प्रकार की ही कॉल आने लगी। हमारे द्वारा जो देश में गठित की गई एनआईसी है उसकी टीम ने जांच की तो पता चला कि मेन सर्वर की सारी फाइलें खोली नहीं गई हैं। जब टीम पहले बैकअप सिस्टम के जरिए फाइलों को रिस्टोर करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सामान्यतया ये होता है कि यदि आपकी कोई फाइल ओपन नहीं हो रही है तो ये माना जाता है हो सकता है सिस्टम करप्ट हो गया होगा, फाइल क्रैश कर गई होंगी, तो एक काम करते हैं वापस से पुरानी फाइलों से रिस्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब उनको रिस्टोर करने का प्रयास हुआ तो पता चला कि वहां पर भी सेंध लग चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो फाइलों का एक्सटेंशन या ई पता जहां पर उन्हें रखा जाता है वो भी बदली जा चुकी थी। साइबर हमले को जैसे ही पुख्ता हुआ कि हाँ भाई साइबर हमला हो चुका है, तुरंत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसे आप सर्ट इन के नाम से जानते हैं, उसको सूचना दे दी गई। आपको जानकर के अचंभा होगा कि एम्स के पास 4 करोड़ मरीजों का डेटा है। मरीजों का डेटा है ये समझ में आता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े हमारे देश के दिग्गज राजनेताओं का भी डेटा शामिल है। आप में से बहुत से लोग इस बात को लेकर के हो सकता है बहुत लाइटली इस बात को सोचें कि क्या फर्क पड़ जाएगा इस बात के बारे में जानकर कि कौन से राजनेता को कौन सी बीमारी थी। साथियों सत्ताएं बदल जाती हैं, कहते हैं भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता अगर ये पता चल जाता कि जिन्ना को ऐसी बीमारी थी जो उन्हें सेपरेशन के तुरंत बाद मार देगी। उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री को इतने लंबे समय तक बचा के रखा क्योंकि उनके पीछे जो लोग खड़े होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है। राजनेताओं के पीछे जो लोग खड़े हैं उन्हें जब पता चलता है कि ये हमारा राजनेता लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, जिसके पीछे हम संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे पीछे नहीं रहने वाला है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, देश के अटल बिहारी वाजपेयी समेत जो दिग्गज राजनेता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जी जैसे बड़े बड़े नेता यहां पर अपना इलाज करा चुके हैं। अब जब आप इलाज कराते हो ना तो कहते हैं डॉक्टर से और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री वहां साझा करते हैं, ऐसी चीजें वहां साझा करते हैं जो आपने पब्लिक डोमेन में भी नहीं बताई होती हैं। डॉक्टर आपके सारे राज अपने पास अपनी फाइल में रखता है, आपकी बीमारी की सारी जानकारी अपने पास सुरक्षित रखता है। ये अपने आप में भले ही 200 करोड़ साउंड होता हो लेकिन उससे भी गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि इतने बड़े बड़े राजनेताओं का डेटा अगर लीक हुआ और इस लीक डेटा का कहीं मिसयूज हुआ, किसी को कहीं ना कहीं अन्य प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास हुआ। जरा विचार करिए, देश के किसी राजनेता का जो डेटा है
अगर वो इस माध्यम से बाहर पब्लिक डोमेन में आ जाता है कि इनको तो एक सी लाइलाज बीमारी है कि ये कुछ दिन के मेहमान हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी वजह से जितना ज्यादा पीछे सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ होता है वो एकदम गड़बड़ा जाता है। ये जो सेंटिमेंट्स की व्यथा है ना, ये राजनीति के अंदर बहुत बड़ा भूचाल ला सकती है। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव डेटा है। इस खबर की सेंसिटिविटी इस बात से आप जान सकते हैं कि देश के अंदर NIC, CBI, IB, DRDO, दिल्ली पुलिस सब इसकी जांच में जुड़ गई हैं कि एम्स के दो सिस्टम एनालिस्ट को इस बात में मतलब निलंबित भी किया गया है कि आफ्टर ऑल यह चीज मामला कैसे रिलीज कैसे हुआ, लीक कैसे हुआ। इंटरनेशनल साइबर क्राइम कनेक्शन होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को FIR भी इसके अंदर दर्ज की गई है। देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स, जिसमें 200 करोड़ की डिमांड करने की बात आ रही है, कहा जा रहा है हैकर्स ने अपनी सारी डिटेल्स लौटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में फंड को मांगा है। न्यूज एजेंसी ANI ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस वजह से अस्पताल की सारी सेवाएं बुरी तरह बाधित हो गई हैं। अब आप में से कुछ लोगों को यह लग सकता है, अरे बाधित कैसे हो सकती हैं, सर्विसेज में ऐसा क्या है जो बाधित होने जैसा होता है। देखिए, जब भी आप कभी बिल कटाने जाते हैं, एम्स जैसा बड़ा अस्पताल है, यहां पर अगर आपको कुछ भी काम कराने जाना, चाहे आप OPD के लिए जाएं, चाहे आप IPD के लिए जाएं, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। एम्स में ऐसे ही नंबर नहीं आ जाता है, बहुत लंबे लंबे समय की वेटिंग चलती है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है, सालों से अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं एक अच्छी चिकित्सा के लिए। को जैसे मान लीजिए किसी की किडनी डायलिसिस होना है, किसी का कैंसर ट्रीटमेंट होना है, किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज होना है, इन सब के डेटा फाइल में मेंटेन होते हैं और ये सब लोग लंबे समय से लाइन में लग करके अपना, आपको यकीन होगा इस बारे में यदि किसी से आपको जानकारी मिले तो जांचिएगा कि लगभग 6-6 महीने की कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां वेटिंग चल रही है। जैसे नी रिप्लेसमेंट है, आईज का ऑपरेशन है, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जो कि एम्स में ही लोग कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि वहां बहुत लंबी लाइन है तो वेटिंग का समय आता है 6 महीने बाद का, साल भर बाद का, कि साल भर बाद आपका नंबर आएगा। अब आप विचार करिए, जिस व्यक्ति ने साल भर तक इंतजार किया हो अपने ट्रीटमेंट का, अचानक वो फाइल उड़ जाए, आप किस आधार पर ये कह पाएंगे कि सर मेरा नंबर था आज का या कल का। ये सारी चीजें बैकफायर कर गई। आप विचार करिए, यहां केवल पैसे की बात या डेटा की बात तक ही सीमित रह जाते तो भी शायद समझ में आता। बात ये भी है कि उन मरीजों का क्या होगा जो इतने दिन से बाट जो है बैठे थे कि मेरा नंबर आएगा और जब नंबर आएगा तो मैं ट्रीटमेंट करा पाएगा। अब ये जो चीज है ना साथियों, ये हैकर्स को भी समझनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों हैकर्स ने बड़ी मात्रा में हेल्थ केयर सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके सेंटिमेंट्स और वैल्यूज उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी, आप तब तक किसी को भी किसी प्रकार का पैसा नहीं देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए, इन दिनों बड़ी मात्रा में एजुकेशनल चैनल्स हैक हो रहे हैं। आपने देखा होगा, मेरा खुद का पर्सनल चैनल हैक हो गया था, बहुत सारे चैनल्स हैक होने लग रहे हैं। और हैकर्स को सबसे ज्यादा जो थ्रिल मिल रहा है वो सस्ती मनी में, जो कि क्रिप्टो के रूप में आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। आपके दिमाग में आएगा, सर क्रिप्टो में ऐसा क्या है? क्योंकि क्रिप्टो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न नहीं होती, यानी किसी भी देश ने उसे अपनी आधिकारिक मुद्रा नहीं बना रखा है। एल सल्वाडोर एक एग्जांपल, अलग से बिटकॉइन का हटा दीजिए, लेकिन मुद्दा यह है कि सब सरकार को नहीं पता है कि यह पैसा किसने तो लिया, कहां से इसको कैश किया। ये सारी बातें जो ओपेक चल रही है ना, ये अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि फिलहाल एम्स के जो भी कर्मचारी हैं वो ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट कर रहे हैं कि वो सारे सिस्टम की सफाई करके उसे पूरी तरह से बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आउट पेशेंट और इन पेशेंट दो प्रकार के अस्पताल के अंदर मरीज जाते हैं। कुछ वो मरीज होते हैं जो केवल बाहर से दिखाकर चले आते हैं और उन्हें मतलब एडमिट नहीं होना होता, और कुछ मरीज 24 घंटे से ज्यादा के लिए अस्पताल में एडमिट होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो एम्स का सर्वर डाउन हुआ है, इसके पीछे के कारण में जो रैंसम वेयर जो है उसका मामला निकल करके आ रहा है, यानी ये माना जा रहा है कि किसी ने फिरौती की रकम मांगी है। अब ये फिरौती की रकम का क्या देश में पहला मामला है? क्या डेटा की चोरी होती है? भाई रैंसम अब तक हम क्या मांगते थे, फिरौती के रूप में जानते थे। फिल्मों के माध्यम से हमने देखा कि बहुत सारे अपहरणकर्ता किसी व्यक्ति का अपहरण करते थे और उसकी एवज में धन मांगते थे। इस दुनिया में जब से इंटरनेट आया या फिर सबसे कंप्यूटर आना शुरू हुआ, तब से कीमत इंसान से ज्यादा डेटा की होने लग गई, यानी आपकी उन सूचनाओं की होने लग गई जिनसे आपके बारे में बहुत सी चीजें हासिल की जा सकती हैं। यानी एक डेटा ना जाने कितने लोगों को कंट्रोल करने के काम में आ सकता है। यही कारण है कि इस रैंसमवेयर की आड़ में बहुत सारे देशों ने अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया है। देश के अंदर बहुत सारे मतलब इस प्रकार के डेटा को लेकर के केसेस हुए हैं, और जब ये केसेस हुए हैं तो इन केसेस में बड़े बड़े केसेस 2017 के अंदर वानाक्राई नाम से एक रैंसमवेयर आया था।
इसके बीच में जो चर्चा हमने दो सेंटर्स की, इनमें से एक सेंटर था NIC, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि नेटवर्क बैकबोन है ई गवर्नेंस का, और दूसरा हमने चर्चा की CERT-IN, ये वो है जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। जैसे ही किसी जानकारी को इनके पास पहुंचाया जाता है, ये तुरंत उसका बाईपास क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। जैसे फिलहाल के लिए हो भी रहा है कि एम्स, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, फिलहाल देश के अंदर 19 एम्स कॉलेज वर्किंग है और अगले सालों में 5 और वर्किंग हो जाएंगे। 2025 तक हमारे 5 और नए एम्स वर्किंग हो जाएंगे। असल में इन सब चीजों को अब पैरेलल सिस्टम में डेवलप किया जा रहा है। आपका सवाल दिमाग में बन रहा होगा कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे, सर होता कैसे है ना, इसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर रहें। होने का जो सबसे बड़ा कारण है साथियों, वो होता है जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए अननोन मैसेज को ओपन करते हैं, किसी लिंक को क्लिक करते हैं जो किसी ने आपको सेंड कर दिया। जब से व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट शुरू हुआ है, बिजनेस अकाउंट मतलब किसी को भी आपके पास मैसेज भेजने की आजादी है, कोई आपके पास कैसा भी मैसेज भेज देता है और उसमें लिंक लगा भेज देता है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और पूरा की पूरा सिस्टम आपका हैक हो जाता है। ईमेल्स के थ्रू भी ये काम बहुत आसानी से आजकल हो रहा है। देश में रैंसमवेयर के मामलों में सबसे पहला मामला, जो बड़ा मामला आया, वो वर्ष 2017 में आया, जब WannaCry, क्या आप रोना चाहते हैं टाइप से ना, ऐसा करके एक सॉफ्टवेयर में एक वायरस आया जो लोगों की, लगभग 200,000 लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दिया। एवज में फिरौती मांगी गई कि मैं आपका सारा डेटा लौटा दूंगा, लेकिन इसके बदले पैसे की आवश्यकता है। ऐसे ही मार्च 2018 में हरियाणा बिजली वितरण निगम के पंचकुला स्थित हेड ऑफिस के कंप्यूटर पर भी एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें फिरौती के अंदर 1 करोड़ रुपए मांगी गई। ऐसे ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश स्टेट पावर यूटिलिटी रैंसमवेयर के अंदर भी पैसे मांगने की बात की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस मना कर रही है कि हमको नहीं जानकारी है कि 200 करोड़ मांगे गए हैं या नहीं मांगे गए हैं, दिल्ली पुलिस इससे इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस को यह बात स्वीकार करनी होगी और देश को भी यह बात स्वीकारनी होगी कि देश में हर महीने 3 लाख से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज की आड़ में ना जाने क्या क्या चीजें फिरौती के रूप में दी जाती हैं। एक डेटा है जो मैं आपके साथ साझा करता हूं, जो साझा है 2021 का, कि देश के अंदर जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुई हैं, या दुनिया भर का भी एक औसत देखा जाए, तो सबसे पहले सरकारी संस्थाएं, फिर एजुकेशन सिस्टम और फिर हेल्थ केयर। आप सोच सकते हैं कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, इन्हें एजुकेशन से कितनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एजुकेटेड लोग जितने भी होते हैं, उन्हें इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस होती है कि यार ऐसा करने से बच सकते हैं। जैसे अगर आपको भी अपने डेटा की सुरक्षा रखनी है, तो जो भी डेटा आप अपने पास रखें, उसका एक प्रॉपर बैकअप जरूर रखें। दूसरा, कोई भी अनचाही लिंक को ओपन ना करें। आपको पता है कि मैं इसके अंदर कुछ, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ मटेरियल दिख रहा है, मैं क्लिक कर लेता हूं, मत करिए। अनवेरिफाइड ईमेल अटैचमेंट को ओपन मत करिए। हैकर्स अगर रकम मांगे भी, तो भुगतान ना करिए, क्योंकि संभव है वो आज मांग रहा है, फिर आपसे कल मांग लेगा, आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको जानकारी मिले, तो पुलिस को सूचना दें और सर्ट इनसे रेस्पॉन्स प्राप्त करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है Ankit10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं Unacademy से 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। फिलहाल 1 तारीख से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर से UPSC के अंदर, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 6 महीने का हिंदी मीडियम वालों के लिए रफ्तार बैच और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सेलरेट बैच, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 300 घंटे का कॉन्टेंट दिया जा रहा है। 300 घंटे का कंटेंट आप लोगों को मात्र 25,000 रुपए के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप जाकर के वहां पर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर साल भर का सब्सक्रिप्शन आप चाहते हैं, तो आपको मंथली EMI के रूप में बिना इंटरेस्ट रेट के कोर्सेज मिल रहे हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो ऑनलाइन के हैं, वो आपको कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।